राहुल गांधी और कांग्रेस संरक्षण प्रसंगे देश को भ्रमित करुछंती गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस तुष्टिकरण राजनीति करुछि खास से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अल्प संख्यक मानकु संरक्षण देछि किंतु जामिया एवं एएमयू भली प्रतिष्ठान रे एससी एसटी एवं ओबीसी मानकु संरक्षण रु वंचित करी संरक्षण प्रक्रिया को शेष करने को बसी कांग्रेस बोली अमित शाह कहते किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्यारंटी अच्छी जेपर्यंत बीजेपी सरकार रे अच्छी से पर्यंत कांग्रेस संरक्षण रे हाथ मारी पारिबो नाही। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी एसटी ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी एसटी ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी, ये मोदी का गारंटी। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।